हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील की। आज का डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 13 अप्रैल 2024 का डेट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी के ऊपर फाइन लगता हुआ नजर आया है टाटा स्टील का। वो क्या डिटेल्स है टाटा स्टील के अबाउट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या अपडेट है। ऑर्डर फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द मैटर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड बाय नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। यानी टाटा स्टील पे डायरेक्ट एक तरह से फाइन नहीं लगा है, यहाँ पे जो एक तरह से ऑफेंसेस जो किया है बेसिकली नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी के द्वारा हुआ है, और इसी की टाटा स्टील की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इंपैक्टेज जो देखने को मिलेगा टाटा स्टील के ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ पे एक्वायर्ड किया था बेसिकली जो टाटा स्टील ने 4 जुलाई 2022 को नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड के एक्विजिशन करती हुई नजर आई थी। और उसके बाद यहाँ पे इसके पहले भी इन्होंने कई सारे ऑफेंसेस वगैरह कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली भी एक ऑफेंस करती हुई नजर आई है जो कंप्लायंस से रिलेटेड यहाँ पे एक तरह से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ अथॉरिटी कौन सा है, वो यहाँ पे अपडेट दिया गया है। रीजनल डायरेक्टर ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स RD, यहाँ पे आपको देखें नेचर और डिटेल्स ऑफ एक्शन टेकन इनिशिएटेड ऑर्डर पास्ट। तो यहाँ पे पेनाल्टीज इम्पोज हुआ है इस कंपनी के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप वायलेशन कौन सा हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन से सेक्शंस के तहत हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनके फिनेंशियल ऑपरेशन इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन फिनेंशियल ऑपरेशन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। यहाँ पे ऑर्डर इश्यू अगेंस्ट NINL के से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो फाइन लगा है यहाँ पे 1-1 लाख 3-3 लाख करके, जो यहाँ पे सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको देखें तो 139 यहाँ पे सेक्शंस है, जिससे 1 लाख और फिर से 1 लाख, और जो यहाँ पे नॉन फिलिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ई फॉर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे भी आपको सेम चीजें ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है नॉट कंडक्टिंग द यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिला है, जो यहाँ पे 3 लाख का एक तरह से फाइन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के टोटल 5 लाख का फाइन कंपनी को यहाँ पे करना है। बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ।